फ्रेंड वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए पार्क में ये लोग गरीब मजदूर लोग रह रहे हैं। आप देखिए इनका व्यवस्था, इनके बच्चे परिवार सबके साथ, ये देखिए कितना इनकी स्थिति। इतना सर्दी है, इनके पास कंबल नहीं है। सर्दियों में करीब कंबल तो देना चाहिए, ब्लैंकेट तो देना चाहिए। ये अपना सर्दी के, आप देखिए आग ताप के गुजारा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, ये देखिए। इन लोग का स्कूल का भी होना चाहिए, सरकारी स्कूल में ही सही, बस स्कूल जाने का व्यवस्था, जिससे बच्चे स्कूल जाएं। इसके माता पिता जो मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम बच्चे तो पढ़ के सही हो जाएं। ये सब हर माँ बाप का यही तमन्ना होता है कि वो तो मजदूरी करे बट उसका बच्चा सही रहे। ये आप लोग का क्या है कि बच्चे का एडमिशन होना चाहिए स्कूल में, और आप लोग को रहने का व्यवस्था। अभी सर्दियों में तो और मुश्किल हो रहा है, क्या क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को? परेशानी है। क्या क्या है बताइए, फिर भी एक दो। यहाँ बच्चे स्कूल जाने लगे और अच्छा है, और ठंड पड़े कुछ कम्बल सम्बल मिल जाए तो और अच्छा है। रहने का इसमें ये त्रिपाल अच्छा सा दे दे, है ना? आप लोग के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में ही सही, लेकिन एडमिशन तो हो जाए। बच्चे जो ऐसे खाली पीली डोल रहे हैं, उससे अच्छा थोड़ा सा शिक्षा तो बहुत जरूरी है ना। हर आदमी का अधिकार होता है शिक्षा का, है ना? इधर भी बच्चे फैमिली रह रहे हैं, ये देखिए। ये लोग बेचारे लोग यहाँ पर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। गांव में इनका, इनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इसके कारण शहर में आए हैं। आप देखिए ये बच्चे, ये देखिए कितना परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। सर्दियों में कैसे रहते हैं आप देखिए, इनका रहने का सही से व्यवस्था भी नहीं है। त्रिपाल वगैरह दे दे, ये प्लास्टिक में तो ठंडा और लगता होगा आप लोग को। ये देखिए खाना बना रही हैं, किसी तरह गुजारा चल रहा है इनका। सरकार की ओर से, ये देखिए बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? साजन। आप लोग आए कहाँ से हैं? जिला बहराइच से। बहराइच से, अच्छा। बहराइच का जो डीएम है वो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं वहाँ पर कुछ? कुछ ना, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ के डीएम का? क्या नाम है? चलिए मैं गूगल में चेक कर लूँगी। ये देखिए ये बिटिया, ये लोग अगर स्कूल जाएं तो अच्छा रहेगा ना, एटलीस्ट माँ पिताजी अगर काम करिए। देखिए सोने का व्यवस्था बाहर में है, कड़कती सर्दी, दिसंबर का महीना, ये लोग बाहर सो रहे हैं। योगी सरकार से मेरा यही नव निवेदन है कि बच्चों को स्कूल का व्यवस्था किया जाए। हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, इसके माँ पिताजी अगर मजदूरी कर रहे हैं तो एटलीस्ट बच्चा तो स्कूल जाए। ये देखिए सभी बच्चे खेलते रहते, ये इनका चूल्हा। बेटा पढ़ने का मन करता है स्कूल जाने का? करता है। आप पढ़ते थे पहले किस क्लास में? सरकारी। किस बहराइच में? बहराइच में। अभी यहाँ एडमिशन नहीं हुआ है, आप जाना चाहते हैं स्कूल? अभी देखिए सरकारी स्कूल में अगर इन लोग का एडमिशन हो जाए बच्चों का, तो ये लोग स्कूल चले जाए।
माँ पिताजी मजदूरी करने जाएं, और रहने के लिए भी कम से कम त्रिपाल या प्लास्टिक के करके त्रिपाल दे दिया जाए, जिससे कि सर्दियों में इनका गुजारा, और कम्बल दिया जाए रहने के लिए। ये देखिए कितना खास्ता हालत में ये लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मजदूरी आप लोग यहीं करते हैं अंदर? बहुत परेशानी है। आप देखिए ये लोग छोटे छोटे कमरे जैसा बना के इसमें रह रहे हैं, बहुत परेशानी है रहने में। इन लोग का दो, इन लोगों का मुख्य मांग है, एक तो सभी बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाए, सरकारी स्कूल में सही, देश में हर बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। ये लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में तो संभव नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल वाला भी चाहे तो इन लोग की मदद कर सकते हैं, एडमिशन करा दें सभी बच्चों का, और रहने का थोड़ा व्यवस्था सही कर दिया जाए, कुछ दिन के लिए ही सही, बट अभी सर्दियों में इनको एटलीस्ट जरूरी इसमें रहने का व्यवस्था और ब्लैंकेट वगैरह कम्बल वगैरह बंटवा दिया जाए, जिससे ये लोगों को सर्दी नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए किस तरह रह रहे हैं, इन लोग को सर्दी लग जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए, क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? सब आप टीचर से मिलिए यहाँ पर, बोलिए एडमिशन हमारे बच्चों का कर दिया जाए। वहाँ पर है ना, क्या बोलते हैं, मदर डेयरी के पास स्कूल, तो उसमें भेजिए। हाँ, किताब कॉपी सब मिलता है, तो भेजिए इन लोग को, ठीक है? आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप चाहेंगे ना कि आपके बच्चे अच्छे बने, लिखा पढ़ी करें, है ना? तब आप लोग चाहेंगे कि हमारा बच्चा, बुढ़ापा हमारा सुख से गुजरे, हर कोई चाहता है ना। आज बस इतना ही। आप देखिए यह समस्या मैं सबके सामने YouTube पे रख रही हूँ, देखने वाले या जो भी हो यहाँ के सरकार इस पे ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। सबका साथ सबका विकास में ये बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में। नमस्कार।